उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पथराव और आगजनी के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द दोषियों को ढूंढने और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सख्ती के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का वीडियो भी सामने आया। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीजों के आधार पर, उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेट्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलते हो तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं क्या? ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे मतलब कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीजों में इन्वेस्टिगेशन शामिल कर रहे हैं। लास्ट सवाल, डिटेन कितने हो? आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मदरसा और मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद इलाके में हिंसक झड़प हुई। एक समुदाय के सैकड़ों उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीम पर पथराव के बाद क्षेत्र में आगजनी कर दी। इसमें 100 से ज्यादा वाहनों और बनभूलपुरा थाने को फूंक दिया गया। इस दौरान 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें नगर निगम के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं इस हिंसा के बाद सीएम धामी ने लगातार दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।